नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। जो प्राइवेट क्लास नंबर 48 थी उसके लिंक्स मैंने आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब दे दिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं इस डेट फ्री शेयर के बारे में जो एक मल्टी बैगर कैंडिडेट हो सकता है फ्यूचर का। मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि ये क्लासिक प्रोडक्ट की कंपनी है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है एस्ट्रल पाइप आप उसको छोड़ के, प्रिंस पाइप को छोड़ के इस छोटे से स्टॉक को चाहो तो अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रमोटर्स का बिलीव अभी भी है, और साथ में लास्ट कुछ महीनों के अंदर ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से आप स्टॉक को चाहो तो अपने रडार में रख सकते। लेके चलता हूँ आपको सीधा इसके प्रॉफिट की तरफ, नाम की तरफ, और अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपके पास ये स्टॉक है, क्योंकि आप लोगों में से एक व्यक्ति ने नीचे कमेंट किया था और वो जानना चाहते हैं स्टॉक का रिव्यू, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, शेयर पक्का करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो पाइप इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी पाइप इंडस्ट्री है, कहने का मतलब काफ़ी अच्छा ये प्रॉफिट जनरेट करती है हर साल। जैसे एस्ट्रल पाइप है, ये टॉप क्लास कंपनी है इंडिया की, और ये देखो कितना शानदार रिटर्न इसे कमा के दिया है। ठीक है, ऐसी एक स्टॉक है जेकॉब लिमिटेड, इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि ये स्टॉक बहुत कम उसमें रहता है, चर्चा में रहता है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो यार ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 5 सालों से, इसी वजह से स्टॉक पर्सनली मुझे तो पसंद आता है। ठीक है, लास्ट 5 सालों में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और लास्ट इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है 14-15% के आसपास, और हो सकता है इसका एक रीज़न है ये स्टॉक लगातार मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखोगे तो एक इंसाइडर कैंडल बना रहा है। ठीक है, और इतनी कुछ खास न्यूज़ स्टॉक में नहीं है कि स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस यही है कि यार कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें सुधार आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जेकॉब आप देख सकते हो कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है 0.37% का। ठीक है, आरओसी पॉजिटिव है, प्लस होल्डिंग 1 रुपये की नहीं है, साथ में आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो डेट फ्री पहली स्टॉक है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखो लास्ट 5 सालों का 33% CAGR है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो दिसंबर 179 करोड़ की सेल्स थी और प्रॉफिट 11 करोड़ का था, एंड अगर बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 49 करोड़ का है, तो जो लास्ट ईयर 23 करोड़ का प्रॉफिट था। साथ में आप देखो डेट कंपनी का लगातार रिड्यूस हो रहा है, 349 करोड़ से 31 करोड़ हो चुका है, एंड जो रिजर्वल लगातार ग्रो हो रहे हैं। बाकी कैश फ्लो अभी 7 करोड़ पॉजिटिव है, और अगर बात करें शेयरिंग पैटर्न की तो आप के लिए देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 73% है, एंड FII DII की मिला के जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट 3% के आसपास हमें देखने को मिलती है, पब्लिक की यहाँ पर मात्र 25% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाई ये कुछ रीजंस है जिस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से मुझे पर्सनली ये स्टॉक अच्छा लगता है, और मैं 10 में से इसको देना चाहूँगा 7 पॉइंट। हाँ, कंपनी में एक ही दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, जो प्रॉफिट है थोड़े अच्छे नहीं है, लेकिन चलो वो इम्प्रूव हो जाएंगे फ्यूचर में क्योंकि प्रमोटर्स का फेथ है। अगर प्रमोटर्स का बिलीव है तो टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स भी, ठीक है, टाटा स्टील जैसे स्टॉक भी आज कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि भैया वो लॉस मेकिंग थी, लेकिन सवाल एक टाइम था जब वो लॉस में थे। ठीक है, TTM में उठा के देख सकते हो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन आज कहाँ ट्रेड कर रही है आपके सामने, जैसे एक टाटा का नाम था। ठीक है, तो यार टाटा का नाम से इंपॉर्टेंट है प्रमोटर्स की होल्डिंग, समझ रहे हो। अगर आप TTM की होल्डिंग जाके चेक करोगे शेड्यूल पैटर्न, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ प्रमोटर्स का विश्वास था। ठीक है, जिन ऑपरेटर ने स्टॉक को भगाया ना, वो पागल नहीं है कि स्टॉक को भगा देंगे, उनको पता है यहाँ प्रमोटर्स के विश्वास है। देखो 74% प्रमोटर्स की होल्डिंग है TTL में, तो ये जो बिलीव था ना, ये ऑपरेटर को पता था कि भैया ये बिलीव की वजह से पैसा इन्वेस्ट किया गया प्रमोटर्स को देख के, कि प्रमोटर्स का फेथ है बिजनेस में, इसलिए ऑपरेटर ने स्टॉक को लगातार पंप किया, समझिए। ऐसी ये जेकॉप है, ये स्टॉक अभी नहीं भागेगा लेकिन अगले 1-2 साल में ऐसा भागेगा जिसकी कोई किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है मार्केट में। ठीक है, आप ऑल ऑफ सडन देखोगे यार इस साल इन 10 स्टॉक ने काफी अच्छा पैसा कमा के दिया, लेकिन ध्यान देना लास्ट 10 सालों से वो स्टॉक कुछ रिटर्न कमा के नहीं दे रहे थे, लेकिन अगले 1 साल में उसका नाम आ गया उस लिस्ट में। क्यों? क्योंकि लास्ट 10 सालों में उसने रिटर्न नहीं दी ना भाई, इसलिए आ गया, और वहां पर प्रमोटर्स का फेस था, प्रमोटर्स का बिलीव था, और हमें उसी लॉजिक के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 24 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 14% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है इंटरडे में। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा, तो मैंने देखो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है, और आप क्लियरली देख सकते हो, अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो
तो ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया देखिए, ये सपोर्ट एरिया, ये पूरा सपोर्ट एरिया स्टॉक का, और ये आपका स्टॉप लॉस है ठीक है। तो ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया क्यों है, क्योंकि ये देखो रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, सपोर्ट जरा काम करा, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा सकते हो 80 रुपी का, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा 80 रुपी का ठीक है। एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा रहा है तो आप लगा सकते हो 100 रुपी का क्लोजिंग बेसिस में ठीक है, 100 रुपी का क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा सकते हो 80 रुपी का, और अगर आप चाहो तो स्टॉक को 115 रुपए के आसपास एक्युमुलेट कर सकते हो अगर आपको करना है ठीक है। क्योंकि स्टॉक में एक प्यारा सा मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ठीक है। तो इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक आपको 10 से 20% रन देखे जा सकता है, और इसने दे भी दिया है ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई, प्लीज उसका फॉलो करना और एक बार खुद की स्टडी ऐड करना ठीक है। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, नहीं है कोई तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद आप या स्टॉक करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, जो प्राइवेट क्लास के लिंक्स होते हैं मैं आपको दे दूंगा। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।